हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर किसी भी ड्राइव का पार्टीशन कैसे कर सकते हैं। तो चलिए आज के इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको दिस पीसी या फिर माई कंप्यूटर पर जाना है और यहाँ पर राइट क्लिक करना है। जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर मैनेज का ऑप्शन मिलेगा। मैनेज पर आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप मैनेज के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आपके सामने एक नया पेज खुल के आएगा। दोस्तों, अब यहाँ पर आपको डिस्क मैनेजमेंट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर डिस्क मैनेजमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप डिस्क मैनेजमेंट पर क्लिक करते हैं, इसके बाद एक नया इंटरफेस खुल के आएगा आपके सामने, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो भी हमारा ड्राइव है वो यहाँ पर शो हो रहा है, सी एफ ई डी। तो ये सारे ड्राइव हैं, यहाँ पर भी सेम चीज़ शो कर रहा है, सी ई सी एफ डी ई। तो मान लो कि ये जो ई ड्राइव है, इसी से मैं एक और इसी का पार्टीशन बनाना चाहता हूँ, पार्टीशन करना चाहता हूँ। तो इसी में से मैं मान लो कि 10 GB का पार्टीशन करके एक अलग फोल्डर बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो न्यू वॉल्यूम, मान लो कि कोई भी ई है यहाँ पर, तो ई की जगह हम कुछ भी और नया बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करना है। जैसे ही राइट क्लिक करूँगा, श्रिंक वॉल्यूम का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर श्रिंक वॉल्यूम के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं, 1-2 सेकेंड का वेट कीजिए और उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का विंडोज़ खुल के आएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं, अवेलेबल जो है स्पेस वो MB में यहाँ पर शो कर रहा है, इतना स्पेस अवेलेबल है, टोटल स्पेस ये है। और आप यहाँ पर कितने स्पेस का यहाँ पर बनाना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं एक नया पार्टीशन, तो आप यहाँ पर वही अमाउंट डालेंगे, वही MB में वही साइज डालेंगे जो यहाँ पर है, इससे कम डालेंगे या इससे ज़्यादा नहीं डाल सकते यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास अवेलेबल ही सिर्फ इतना है। तो अब यहाँ पर मान लो कि हम 10,000 MB का एक नया फाइल बनाना चाहते हैं। 10,000 MB यानी कि लगभग 9.7 GB, यानी कि 1 GB में 1024 MB होता है। तो यहाँ पर 10,000 MB का कितना होगा, 9.7 GB के आसपास। तो अब यहाँ पर श्रिंक के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही श्रिंक के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर एक फ्री स्पेस या फिर अनलोकेटेड स्पेस के नाम से यहाँ पर आपका एक नया वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है। जैसे ही राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर न्यू सिंपल वॉल्यूम का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने एक पॉपअप बॉक्स खुल के आएगा, यहाँ पर वेलकम टू द न्यू सिंपल वॉल्यूम विजार्ड का यहाँ पर मैसेज आ गया है। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, एक बार और नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पर जो भी नाम देना चाहते हैं, जैसे कि ड्राइव सी, ड्राइव ई, एफ, ये भी ये सब होता है, तो यहाँ पर आप जो भी नाम देना चाहते हैं वो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद कोई भी नाम सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मैं ओ करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर ओ पर क्लिक किया और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक किया। जैसे ही मैं नेक्स्ट किया, एक बार और नेक्स्ट का ऑप्शन आया, यहाँ पर फिर से किया। अब यहाँ पर हम फिनिश करेंगे, फिनिश के ऑप्शन पर क्लिक करते ही हमारा जो वॉल्यूम है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, फॉर्मेटिंग हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, 9.77 GB का जो नया वॉल्यूम है ओ के नाम से, न्यू वॉल्यूम ओ, तो ये ड्राइव हमारा सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अभी इसको आप देखने के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, न्यू वॉल्यूम ओ क्रिएट हो गया है। और इसे अगर आप चेक करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर दिस पीसी के ऑप्शन पर जाएंगे या फिर माई कंप्यूटर के ऑप्शन पर जाएंगे और उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि न्यू वॉल्यूम जो आपने क्रिएट किया है वो यहाँ पर शो कर रहा है। तो इस तरह से आप भी अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर इस तरह से न्यू वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं, एक नया पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे पूरा उम्मीद है कि आज आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए। वीडियो पूरा लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।